उधर थार के रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। आग से तपी हुई रेतीली हवाओं के साथ लू के थपेड़ों से बचने के लिए सरकार लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रही है, लोगों को बार बार पानी पीने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को लेकर त्राहिमाम मची हुई है। हालात ये हैं कि एक घड़ा तो दूर की बात है, एक बूंद पानी की यहां पर जो पानी है वो नसीब नहीं हो पा रहा है ग्रामीणों को। ये एक और रिपोर्ट पेश है। गर्मी में इंसान हो या जानवर, सबकी पहली जरूरत है पानी, जिसे हलक में उतार कर जिंदा रहने की कोशिश की जाती है। लेकिन बीकानेर के लूण करणसर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। ग्रामीण इधर उधर से पानी की व्यवस्था तो करते हैं, पर एक सवाल उनके सामने आता है कि इस पानी से परिवार की प्यास बुझाएं या अपने मवेशियों की। ऐसा भी नहीं कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया जाता, लेकिन एसी के कमरे में बैठे सरकार के नुमाइंदे ग्रामीणों की पीड़ा सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं। लूण करणसर उपखंड क्षेत्र में पेयजल संकट इतना गहराया है कि लोगों को पीने का पानी भी कड़े जतन करने के बाद बामुश्किल मिल पाता है। ग्रामीणों को महंगे दामों में पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। ये वीडियो जैतपुर गाँव का है, जहाँ जलहोद बना है और कई टैंकर जलहोद के चारों ओर खड़े हैं ताकि पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सके। वहीं जलहोद में अर्जनसर से आ रहे पानी की धारा भी दिखाई दे रही है। इस धारा से गांव की प्यास कैसे बुझाई जाए, यही सवाल ग्रामीणों के मन में है। ग्रामीणों ने बताया कि अर्जनसर कस्बे से गांव के लिए सप्लाई आती है, लेकिन बिजली कटौती और अवैध कनेक्शन के कारण गाँव तक इतना ही पानी पहुँच पाता है। बाकी पानी कोई दिक्कत को नहीं ला रहे, इया कौन ला रहे पानी, कौन ला रहे फुल है पानी, रानी से पानी भरने को देवे टैंकर वाला जावे सीधा अर्जन से जड़ो पड़े या फुल दो 200 रुपये भराई लागे बटे 200 रुपये बे ले लिया 1100 रुपये टैंकर वाला लिया 1300 रुपये फुलू लगे यही 1300 रुपये अर्जन से लगे। काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा जैतपुर गांव के अंदर, मैंने बार बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, प्रशासन इसके काम के अंदर को ध्यान नहीं दे रहा है। गांव अभी तिसवारी के अंदर बहुत दिनों से गुजर रहा है, इसका तत्काल पानी की कोई सुविधा की जाए, तो प्रशासन को अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश में सरकारें अलग अलग दलों की आती जाती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिर कब होगा इनका समाधान और कब मिलेगा पानी, इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास हो। त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर।